समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को भी लोकसभा में खूब हंगामा हुआ। बीजेपी की सांसद रमा देवी ने उन्हें बर्खास्त करने की मांग उठाई। आजम खान की आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला काफी गर्मा गया। बीजेपी सांसद रमा देवी ने समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान से माफी की मांग की। रमा देवी ने कहा कि आजम खान को संसद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। गुरुवार को लोकसभा में तीन तलाक पर रोक लगाने के प्रावधान वाले विधेयक पर चर्चा के दौरान उस समय विवाद की स्थिति पैदा हो गई जब पीठासीन सभापति रमा देवी को लेकर सपा सांसद आजम खान ने एक टिप्पणी कर दी। इस पर भाजपा सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया और उनसे माफी की मांग की। आजम खान समेत सपा के सदस्यों ने इस मुद्दे पर सदन से वॉकआउट कर दिया। सांसद रमा देवी ने कहा है कि आजम खान को बर्खास्त किया जाना चाहिए। हमको लगता है कि इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब या तो नासमझी हो गया या उसको आदत पड़ गई है महिलाओं के साथ अच्छे ढंग से व्यवहार नहीं करने का, तो वो आसन है, उसको समझना चाहिए कि आसन के पीठ पर जो भी बैठता है वो सबके लिए बराबर भाव से देखता है, लेकिन उसको समझदारी में कमी है। और जिस शब्द को बोला है तो कहेंगे कि माफी मांगो। नहीं नहीं, वो तो सारा लोग सुना कि जिस तरह की बातें बोला और जिस स्टाइल में बोला वो अशोभनीय था। और इसको कोई भी महिला तो महिला, लेकिन आसन का आसन होता है, आसन सबसे भारी पड़ता है, तो उस तरह का व्यवहार करने वाला को उचित सजा मिलनी चाहिए। देखिए उनको सही बात है, उनको ये समझ ही नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है। और मेरा ये मानना है कि वो तो स्पीकर उन पे कार्रवाई कर सकते हैं ऐसे तमाम मामलों के अंदर। और मेरी दरख्वास्त रहेगी कि एक कानून बनाने वाली जो संसद है उसकी वो नुमाइंदगी करते हैं और खुद कानून का उल्लंघन करते हैं, तो उनको एक सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की जो क्लास है उसमें बैठाया जाना चाहिए। हालांकि आजम खान ने तुरंत बात संभाली और सदन में उसी वक्त रमा देवी से कहा, आप मेरी प्यारी बहन हैं। दिल्ली से डेली वर्ल्ड टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट टी नारायण के साथ नेहा शुक्ला की रिपोर्ट।